हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 2.4। इसमें कह रहे हैं द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट 400 एनएम टू रेड 750 एनएम। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज हर्ट्ज में बताना। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रख, देखो आपको ये वेव्स के बारे में आपको क्लास 11th की फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी जिस वेव्स में, ठीक है, और क्लास 12th की फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी और यहां भी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, देखो वेव्स कितने प्रकार की होती है, तीन टाइप की होती है। एक मैकेनिकल वेव्स होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और एक मैटर वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है कि मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है ट्रेवल करने के लिए, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में वेव्स को ट्रेवल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। और मैटर वेव्स किन के लिए होती है, सब एटोमिक पार्टिकल्स के लिए होती है, ठीक है। तो कोई भी वेव्स हो उसके लिए ये फॉर्मूला याद करना, न्यू इक्वल्स टू वी बाई लेमड़ा। वी क्या है, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। तो इसमें स्पीड ऑफ वेव में क्या करना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना उनके लिए क्या करना है, सी बाई लेमड़ा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, समझ में, ठीक है। और देखो इसको क्या कर रहा है, 400 से 700, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है। इसको याद करने का तरीका, देखो जो अपनी आंखों से देखते हैं वो 400 से 700, और इसके अंदर क्या है, वीबीओ गोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज और रेड, समझ में आ गया, ठीक है। और इसके जो देख नहीं सकते मतलब उसके थोड़ा सा ही तो वो होगा ज्यादा, तो उसको कहते हैं इंफ्रा रेड कैमरेज होते हैं ना, तो इंफ्रा रेड रेडिएशन। और जो इससे थोड़ा सा कम है उसको कहते हैं, जैसे मान लो प्रेग्नेंट वो होती है ना लेडीज, तो उनमें क्या कराते हैं, हम एक्सरे नहीं करवाते हैं क्योंकि वो घातक होता है, ठीक है। तो ये क्या करवाते हैं, हम अल्ट्रावोलेट अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो ये अल्ट्रावोलेट होगी मतलब विजिबल रेंज के, ये 400 से 700 पे इंफ्रारेड, इधर क्या है अल्ट्रावोलेट, उसके बाद में थोड़ा सा माइक्रोवेव्स, ओवन्स में जो होती है वो माइक्रोवेव्स के कंसेप्ट पे होती है, ठीक है। फिर ये एक्सरे होगी है ना, और इधर गामा रे और इधर रेडियो वेव, ठीक है। तो इसको जैसे वेवलेंथ दे रखी है ना आपको, तो इसमें फ्रीक्वेंसी एक ये भी याद रखना, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी उल्टा चलता है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, और जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो देखो ये क्या चाहिए, इसको देखो वेवलेंथ चाहिए ना, तो निकालो वेवलेंथ लैम्ब्डा, लैम्ब्डा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई न्यू। तो लैम्ब्डा इक्वल टू सी कितना देगा, 3 × 10⁻¹, ठीक है, 400 नैनोमीटर को मीटर में बदलो 10⁻¹-9, ठीक है। तो लैम्ब्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर एक्सप्रेस वेवलेंथ, फिर आपको वेवलेंथ दे, वो लैम्ब्डा वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है। तो आपको निकालनी है न्यू, निकालनी है ये, सही है भाई, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्ब्डा, ठीक है। तो ये वेवलेंथ आपको गिवन है ही, न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू किस, कैसे करोगे, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻¹ पॉजिटिव, ठीक है। तो 9 8 16 17 17 में से 3 चला गया, 300 / 4, 10⁻¹ देखो, 10⁻¹⁴ 17, 10⁻³ और कर दे 3, ये हो गया, ये 400 2 से 2, ये 4 7.5 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, समझ में आया। और इसका 700 का कितना होगा, 700 का होगा न्यू इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 750 × 10⁻¹⁹, ठीक है। न्यू इक्वल्स टू इसमें 10⁻¹ किए था ना ऊपर चला गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000 × 10⁻¹⁴, ठीक है। तो न्यू इक्वल्स टू अप डिवाइड बाय 750, ये इससे चला गया, तो ये 4 बार जाएगा 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, मतलब 400 से 700 नैनोमीटर। और ये चला, ये फ्रीक्वेंसी में अगर देखना है तो 7.5 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, और ये कितना है, 4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, समझ में आया दोस्तों।